हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की क्लास 10th की एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। मतलब देखिए, जैसे ये मैंने इसमें बनाया है, एक ये क्यूब है और एक ये क्यूब है, इन दोनों को जब हमने मिला दिया तो क्या बन गया, ये बड़ा क्यूबाइड बन गया। क्यूब वो होते हैं जिनकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, एज बराबर होते हैं, और क्यूबाइड में लेंथ ब्रेड हाइट अलग अलग होती है। तो सबसे पहले तो हमें क्यूब की एज बतानी पड़ेगी, वो नहीं पता है हमें। तो वॉल्यूम क्या है क्यूब की, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है 64 सेंटीमीटर क्यूब। हमें पता है कि ए क्यूब जो होता है वो फॉर्मूला होता है, 64 के साथ रख देते हैं, ए की वैल्यू सीधा 4 सेंटीमीटर आ जाएगी, ये सेंटीमीटर क्यूब था, ए की वैल्यू 4 आ गई, यानी कि एच की तरह 4 सेंटीमीटर। अब इसमें जो इसके इन दो क्यूब को हम जोड़ेंगे जो जो क्यूबाइड बनेगा, उसमें ब्रेड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और लेंथ पर कोई हाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ पर फर्क पड़ेगा। लेंथ जो है वो डबल हो जाएगी, 4 + 4 8 सेंटीमीटर, ब्रेड 4 ही रहेगी और हाइट भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। यहाँ देखिए, इसको जब हमने जोड़ा तो इसकी हाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, हाइट अभी भी उतनी ही है जितनी पहले थी, और ब्रेड पर भी सिर्फ ये लेंथ पर फर्क पड़ेगा क्योंकि लेंथ दोगुनी हो जाएगी, 4 + 4 दोगुनी हो जाएगी, और इसकी हाइट पर भी कोई ब्रेड पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये देखिए जितनी पहले थी उतनी ही अब, ठीक है। तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन तीनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या निकला है, फाइट सरफेस एरिया निकालना है, तो टीएस से निकालना है हमें क्यूबाइड का, वो हम जानते हैं क्या होता है, 2 lb + bh + hl, तो इसको रख देंगे, 2 ये हो जाएगा 8 × 4 जमा 4 × 4 जमा 4 × 8। इसको और सॉल्व करें अगर हम, तो 32 जमा 16 जमा 32, और इनको ऐड करें तो ये हो जाएगा 32 जमा 32 64 सीबोर्ड जमा इस 80, और इनको मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आ गया हमारा 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये इस तरह से हमने सॉल्व किया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, उसे मैंने पूरा नहीं लिखा है क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो अब बुक तो आप सबके पास होगी, तो आप ये देखो, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो होता है उसका आधा होता है, यानी कि 7 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस होगा। आगे बोला है, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, वेसल की जो टोटल हाइट है वो है 13 सेंटीमीटर। एक हॉलो हेमिस्फीयर को हॉलो सिलेंडर के साथ कर दिया, तो इसके ऊपर लगाना चाहो तो, वरना इसके नीचे लगा दो, जैसा भी आप लगाना चाहे, थोड़ा सा ये बड़ा होगा, ठीक है, और ये टोटल इसकी जो हाइट होगी वो इसमें उन्होंने 13 सेंटीमीटर बता रखी है। अब आप जानते हैं कि हेमिस्फीयर जो होता है जितनी उसकी हाइट होती है उतना ही उसका रेडियस होता है, मतलब उसकी आर और एच बराबर होती है, ये भी इसका आर ही मानी जाती है। तो अब हम हाइट ऑफ हमें सिलेंडर निकालना है, हाइट ऑफ सिलेंडर वो क्या होगी, 13 माइनस इतना जो रेडियस है उसको माइनस कर दें, यानी कि 7 माइनस कर दे तो 6 सेंटीमीटर क्या है उसकी हाइट सिलेंडर की, ये हो गया। रेडियस हमें पता चल गया था 7 सेंटीमीटर, हाइट पता चल गई अब 6 सेंटीमीटर, तो हम निकाल देंगे। हमें निकालना क्या था, हमें इनर सरफेस एरिया निकालना था, हमें सरफेस एरिया निकालना था, तो वो क्या होगा,
वो थीटा थीटा होगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर जमा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दोनों का फॉर्मूला जो है आपको पता है। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πr² और इसका होगा 2πrh। देखो इस सब में, इसमें दोनों में ही 2πr कॉमन है, रेडियस भी क्योंकि बराबर है इसलिए r भी कॉमन ले सकते हैं, r प्लस h ये हो जाएगा। सॉल्व कर दो, 2 into इसमें 22/7 ही लेना है क्योंकि एक्स्ट्रा हमें 23.14 लेने के लिए कहा नहीं गया है, और रेडियस था 7, ठीक है ये बचा 7 जमा और ये 6, ठीक है 7 से 7 को काट दिया, ये आ गया 44 into 7 जमा 6 13। आंसर आ जाएगा 44 को 13 से करेंगे तो 570 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरह से सिंपली हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक इस तरह से एक टॉय है कोन की शेप में, ठीक है उसके बाद उसमें वो हेमिस्फीयर भी लगा हुआ है, इस तरह का कोई कोन एक टॉय है, इसकी जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर और हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, रेडियस सेम ही है यानी कि इसकी भी 3.5 ही है सेंटीमीटर मानी जाएगी। टोटल हाइट जो है वो 15.5 है, ठीक है तो हमें हाइट ऑफ कोन निकालनी पड़ेगी, तब लिख देते हैं रेडियस ऑफ कोन जो कि बराबर है किसके, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के, दोनों बराबर किसके हैं 3.5 सेंटीमीटर के, तो हाइट ऑफ कोन क्या होगा, हाइट ऑफ कोन निकालना है हमें, वो होगी टोटल थी 15.5 माइनस कर दो उसमें से इतनी, ये टोटल ये है, इसमें से अगर हमें ये निकालना है यहाँ से यहाँ तक हमें इतना सा माइनस करना पड़ेगा और वो क्या है 3.5 है, तो इसको माइनस कर देंगे 3.5 से तो आ जाएगा सीधा 12 सेंटीमीटर की हाइट आ जाएगी। अब हमें इसमें निकालना था, हमें निकालना टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ टॉय, सीधी सीधी बात है TSA ऑफ टॉय निकालने के लिए हमें चाहिए CSA ऑफ कोन जमा CSA ऑफ हेमी, ठीक है ये होता है 2πr², ये होगा पाए आर एल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन एल अभी हमने निकाला नहीं है, एल क्या होता है स्लेंट हाइट होती है, इसका फॉर्मूला होता है h² + r², हमारे पास दोनों चीजें हैं तो निकाल देते हैं, एच है हमारे पास 12 का स्क्वायर हो जाएगा और ये है 3.5 का स्क्वायर यानी कि सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर सॉल्व करके आ जाएगा। तो अब रखते हैं सीधा, इसमें भी ऐसा कुछ बोला नहीं है तो हम 22/7 ही लेंगे, पाए आर जो है कॉमन है अंदर आ जाएगा, सिर्फ रह जाएगा एल जमा 2r, ये 2 और ये r, r क्योंकि दो बार थे इसमें, तो ये हो जाएगा 22/7 into 3.5 जमा एल क्या था 12.5 जमा 2 into 3.5, ये इससे कट जाएगा, ये रह जाएगा सिर्फ 0.5 और 12.5 और ये हो जाएगा, इसको करेंगे तो सिर्फ 11 रह जाएगा, ये 11 और 12.5 और ये 3.5 into 2 7, ये हो जाएगा 19.5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर का। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। के बाद चौथा क्वेश्चन, वो फोर्थ क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 70 सेंटीमीटर, एक क्यूबिकल ब्लॉक है ये जैसा बना रखा है
उसके ऊपर क्या किया गया है कि हेमिस्फेयर बना दिया गया है। ठीक है, मैं भी हेमिस्फेयर बना देता हूँ उसके ऊपर एक। ठीक है, ऐसा कोई हेमिस्फेयर बना दिया गया है। अब क्या बोला गया है, व्हाट इज द ग्रेटर डायमीटर हेमिस्फेयर कैन हैव। इसके लिए जो ग्रेटर डायमीटर जो होगा हेमिस्फेयर जो रख सकता है अपने पास, वो वही होगी जो एज ऑफ डायमीटर जो होगी वो एज ऑफ क्यूबाइड बॉक्स के बराबर होगी, यानी कि 7 सेंटीमीटर के बराबर होगी मैक्सिमम। ठीक है, हमें क्या बताना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया सॉलिड बताना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डायमीटर पता चल गया हेमिस्फीयर का 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो होगा हेमी का वो होगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने 7/2 लिखा है, 3.5 नहीं लिखा, 3.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन काटने में जब हम सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम आसानी से इसको काट सकते हैं, इसलिए 7/2 लिखा है। उसके बाद ये हो गया हमारे पास, और क्या है, हमारे पास एज भी दिए हुई है, एज क्यू की है जो कि 7 सेंटीमीटर की है। तो ठीक है, अब हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो उसका फॉर्मूला लिख देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखना पड़ेगा जमा सरफेस एरिया ऑफ हेमी, लेकिन यहां पर थोड़ा सा और है, हमें कुछ माइनस भी करना पड़ेगा। माइनस क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ बेस हेमी या बेस का जो एरिया है, ये जो हमारा हेमी था इसको जब हमने जोड़ा तो इतना जो एरिया जो नीचे वाला था इसका एरिया, ये वाला, वो इसके साथ चिपक गया यहाँ पर, तो इतना एरिया तो इसने खराब कर दिया ना। अब वो उसके अंदर, अब उसका बाहर का आउटर सरफेस एरिया नहीं माना जाएगा वो, तो हम उसको अलग से हमें हटाना पड़ेगा। ये था 6a स्क्वायर, ठीक, ये होता है 2πr स्क्वायर, माइनस का ये होगा πr स्क्वायर। ठीक, सीधा सीधा लिख सकते हैं हम 6a स्क्वायर प्लस का πr स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 × 7 का स्क्वायर जमा 22/7 × 7/2 × 7/7 से कट गया 7, 2 से कट गया, ये हो गया 11, और ये हो जाएगा 6 × 49 जमा 11/77/2। आगे सॉल्व करना चाहे तो हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा सीधा 3 32.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये सीधा हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, बस इतना सा, बहुत आसान क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 एग्जैक्टली लगभग वही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा वो है कि यहाँ पर एक डिप्रेशन वर्ड एक और आ गया, यहाँ पर डिप्रेशन आ गया है। डिप्रेशन जो है असल में इसका कहने का मतलब यह है कि ये बॉक्स है उसमें डिप्रेशन कर दिया गया है, यानी कि उसके अंदर काट दिया गया है। ठीक है, दो वर्ड्स आपको इसमें बार बार दिख रहे होंगे, एक है सरमाउंटेड और एक है डिप्रेशन। सरमाउंटेड का मतलब है ये कि उसके ऊपर कुछ चीज लगा दी गई है, कुछ जोड़ दी गई है, बल्ज हो गया है, ऊपर की तरफ उसका उभार आ गया है। और दूसरा ये डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है काट देना, जैसे आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, डिप्रेशन आ जाना का मतलब कमी हो जाना है ना, कमी हो जाना, तो उसका डिप्रेशन कर दिया गया, यानी कि एक क्यूबिकल बॉक्स था, मान लीजिए ऐसा कोई बॉक्स था, उसमें हमने क्या किया, डिप्रेशन कर दिया एक हेमिस्फीयर में, इस तरह से कुछ। ठीक है, अब हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, तो एज जो होगी उसको हम ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इसमें जो रेडियस है वो ए बाय टू होगा, क्योंकि वही बात जो दोबारा हमने पिछले उसमें कही थी कि मैक्सिमम जो होता है डायमीटर वो होगा ए, एज एज के बराबर होगा, और फिर हाफ जो होगा ए बाय टू हो जाएगा। ठीक है, आप जो भी वैल्यू लेना चाहे वो ले सकते हैं, इसमें क्योंकि कोई भी वैल्यू नहीं दी है तो हम इसका करेंगे। अच्छा, इसमें एल दे रखा है तो हम भी ठीक है, इसको एल लेते हैं, ए नहीं दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, तो ए और एल से कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फाबेट ही है ये, इसको एल बाय टू लिखते हैं और ये एल हो जाएगा। ठीक है, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें सीधा सीधा इसका सरफेस एरिया निकालना है, और कुछ करना नहीं है, तो सीधा सीधा निकालना शुरू करते हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में एक बात तो सीधी है, हमें क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बिल्कुल वही तरीका, जमा सरफेस एरिया ऑफ हेमी, बिल्कुल सही, लेकिन माइनस करना पड़ेगा
जो एरिया जो है वो उसमें आ गया एज बेस एरिया ऑफ हेमी। ठीक, तो एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a² जमा पाई आर स्क्वायर, वही हम पिछले बार कर चुका 2πr² में से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा तो फिर पाई आर स्क्वायर बच जाता है। तो ये हो गया 6 l² जमा पाई l² बाय 4। ठीक, और इसको और कुछ करना चाहें हम तो चाहे तो हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, वरना l² कॉमन आ रहा है, l² कॉमन आ रहा है, बाकी इसमें जो भी लिखना चाहें 6 + pl/, ये पाई था पाई 4 ऐसे लिख सकते हैं, वरना यहीं पर ही हम छोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन दें? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है मेडिसिन की तरह एक कैप्सूल दी गई है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें दो चीजें हैं, इसमें एक तो दे रखा है सिलेंडर हमारे पास, ये सिलेंडर है और ये दो है हेमी है। ठीक है, इनसे मिलाकर एक कैप्सूल जो होती है वो इसी तरह की होती है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा। तो इसको दे रखा है, हमें क्या बताना है इसमें, सब काफी सारी चीजें हमें दे रखी है। लेंथ ऑफ द कैप्सूल जो है वो पूरी 14 है, यहाँ पर लिखते हैं सीधा लेंथ ऑफ कैप्सूल, पूरी कैप्सूल की, सिर्फ सिलेंडर की नहीं, पूरी कैप्सूल की कितनी है, 14 मिलीमीटर, मिलीमीटर में दिया हुआ है। उसके बाद डायमीटर जो है वो 5 मिलीमीटर है। ठीक है, डायमीटर यानी कि ये पूरा यहां पर से ये लेकर यहां पर तक पूरा, अगर ये 5 मिलीमीटर है तो सीधी सीधी बात है रेडियस जो होगा वो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं रेडियस जो होगा वो 5/2 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, सिलेंडर वो होगा 14 - 2 × 5/2। यहां पर हमने 2 क्यों किया, क्योंकि देखिए यहां पर इतना, ये एक तो ये रेडियस होगा और एक इतना यहां पर, ये भी तो रेडियस होगा, तो कितने रेडियस को हमें माइनस करना पड़ेगा, एक रेडियस ये, दो रेडियस दूसरा रेडियस ये, टोटल था 14, 14 में से माइनस कर रहे हैं ये रेडियस और ये रेडियस, यानी कि दो रेडियस को, 2 से 2 कट जाएगा, 14 - 5 9 मिलीमीटर आंसर हो जाएगा, 9 मिलीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा लेंथ ऑफ सिलेंडर के लिए। ठीक है, तो अब सीधा सॉल्व करते हैं, ये है सरफेस एरिया ऑफ, हमें सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालना है, सीधी सीधी बात है कुछ भी नहीं करना है, सी एस ए ऑफ हेमी, अच्छा इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 2 बार दिया है, और बस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, बहुत आसान है, 2 × 2πr² जमा 2πrh, सॉल्व कर देंगे, इसमें 2 कॉमन है, पाई कॉमन है और आर कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो इसमें बच जाएगा 2 और r, 2r बच जाएगा इसमें, और इसमें 2πr तीनों आ गए तो सिर्फ h बच जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके लगा देते हैं, 2 × 22/7 × r की वैल्यू थी 5/2 × 2 × 5/2 जमा ये हो गया 9, 2 से कट गया 2, यहाँ पर भी 2 से कट गया 2, ये होगा 110/7 और ये 14, इसको काट दो यहाँ पर से, 7 से ही हो गया, 2 से कट जाएगा और ये सीधा हो जाएगा 220 मिलीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, सरफेस एरिया तो स्क्वायर आएगा, वॉल्यूम निकालते तो क्यूब आ जाता, बहुत सिंपल का, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ये टेंट के ऊपर है, ए टेंट इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, एक टेंट जो है ये बना बनाया है हमने, बना दिया था पहले ही, टेंट है उसके सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर एक कोन है, ऐसे ही ज्यादातर टेंट होते हैं जो शादी में लगते हैं, हाइट और डायमीटर दे रखा है सिलेंडर का पार्ट का। ठीक है, तो पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये सिलेंडर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है सब कुछ। ठीक है, इसका हाइट कितनी है वो दे रखी है 2.1 मिलीमीटर, सॉरी मीटर, और रेडियस दे रखा है 2 मीटर, क्योंकि वो डायमीटर 4 मीटर दे रखा है तो रेडियस आधी हो जाएगी, तो 2 मीटर दे रखा है। ठीक है, अब स्लैंट हाइट दे रखी है L 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है 2.8 मीटर, सॉरी 2.8 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, एरिया बताना कैनवास का,
सीधी सीधी बात है, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ कैनवास, ठीक है, क्या होगा? सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ कोन जमा सी एस ए ऑफ सिलेंडर, दोनों के फॉर्मूले हमें याद है, पाई आर एल जमा टू पाई आर एच, ठीक है, और इसमें पाई कॉमन है और आर भी कॉमन है, एक ही है, ठीक है, पाई आर बाहर रह गया, सिर्फ एल प्लस टू एच रह गया, इसमें वैल्यू लगा देते हैं, ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू थी 2, एल की वैल्यू थी 2.8, एच की वैल्यू थी 2.1, टोटल मिलाकर हो जाएगा 44/7 इंटू ये हो जाएगा 4.9, इसको काट देंगे हो जाएगा 0.7, आंसर आ जाएगा 44 मीटर का स्क्वायर। अब साथ में इसमें एक और चीज है, कॉस्ट ऑफ कैनवास भी निकालना है। तो अब हम करते हैं कॉस्ट ऑफ कैनवास पर मीटर स्क्वायर, वो दे रखा है हमें ₹500, 500 रुपये दे रखा है, तो 44 मीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा? 44 से इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, जो कि आ जाएगा हमारे पास ₹22,000। बस इतना सही सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा ₹22,000। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर के अंदर जो है एक कोन डाल दिया गया है, ऐसे मैं बनाकर दिखा देता हूं, ये रहा एक सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, ऐसा कोई सॉलिड सिलेंडर है, उसके अंदर हमने इस तरह से कोई कोन डाल दिया, ठीक है, ये हमने कोन डाल दिया है, टोटल इसकी जो हाइट है वो 2.4 होगी, 2.4 सेंटीमीटर है, 2.4 सेंटीमीटर तो दोनों के लिए होगी, फिर वो इसके लिए भी होगी, कोन की भी हाइट होगी और हमारे सिलेंडर की भी हाइट होगी, और रेडियस भी दोनों का बराबर ही होगा, जो कि है 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो रेडियस दे रखा है हमें 0.7 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है हमें 2.4 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें कि कितना बच गया, टोटल सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया में हमें एल की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो पाई आर एल लगाना पड़ेगा कोण के लिए हमें, तो एल निकाल लेते हैं एक बार, एल होता है रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि 2.4 का स्क्वायर जमा 0.7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा सीधा सीधा हमारे यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। इसमें एक और चीज देखिए कि जरूर इसके अंदर डिप्रेशन हुआ है, लेकिन उससे इसके अंदर हमने डाला जरूर है, लेकिन उससे क्या हुआ है, हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है, ठीक है, अगर हमारा वॉल्यूम लिखते हैं हम तो वॉल्यूम जरूर डिक्रीज हो जाता है, लेकिन असल में हमारा यहाँ सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है, ये देखिए, ये तो था ही बाहर का, लेकिन साथ में आप देखिए कि हमारा जो ये है ये कोन भी इसके अंदर आ गया, इस सरफेस एरिया के अंदर, तो हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है। इस तरह से हम कागज को, अगर कागज प्लेन कागज है तो उसका उसका जो हम उसको जब मोड़ देंगे तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है, इस तरह से होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, सी एस ए ऑफ सिलेंडर जमा सी एस ए ऑफ कोन जमा एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ये वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला या नीचे वाला लेना चाहो, जो भी लेना चाहो, एक लेना पड़ेगा हमें, तो वो क्योंकि उसको हम उसको तो उसको हटाया नहीं गया है ना, वो तो ऐसा कैसे ही है, उसको लेना पड़ेगा हमें 2πRh जमा πRL जमा πR स्क्वायर, ठीक है, पाए और आर तो सब में है, बच गया इसमें 2h, इसमें बच गया एल, इसमें बच गया आर, ठीक है, 22/7 ही लेना है इसमें भी,
और रेडियस है 0.7, 2 इंटू एच की वैल्यू थी 2.4 जमा एल की वैल्यू है 2.5 जमा आर की वैल्यू है 0.7। इससे तो ये काट दो, ये 0.1 हो गया, 22 को 0.1 से किया तो 2.2, साथ में ये हो गया 4.8 जमा 2.5 और ये हो गया 3.2, टोटल मिलाकर किया 2.2 से अगर इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 4.8 और ये होगा 7 और ये 8, 8 से और आंसर आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर का, ये आंसर आ जाएगा हमारा। सिंपल, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें हमें बोला हुआ है एक वुडन आर्टिकल है, इसमें बनाया हुआ है फिगर, वुडन आर्टिकल है, उसको बनाया गया है, स्कूपिंग कर दिया गया है। स्कूपिंग करना यानी कि उसके अंदर से निकाल देना, ठीक है, हेमिस्फीयर को निकाल दिया है दोनों तरफ से सॉलिड सिलेंडर का। हाइट जो थी सिलेंडर की वो थी 10 सेंटीमीटर और रेडियस भी दे रखा है हमें 3.5 सेंटीमीटर। तो ठीक है, हमें सीधा सरफेस एरिया निकालना है, फिगर हमारे पास है। सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास, सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा सीएसए ऑफ सिलेंडर, जो कि हमारे पास दिख रहा है सीएसए ऑफ सिलेंडर, जमा कर लेंगे हम 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमी, ठीक है, दो है तो इसलिए दो से मल्टीप्लाई कर दे, एक ये वाला और एक ये वाला, दो हेमी है वो करेंगे, ये होगा 2 पाई आर एच जमा 2 इंटू ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 2 पाई और आर बाहर निकल रहे हैं, ये इसमें एच बचा, इसमें बच गया, एक बच गया 2 और एक बच गया इसका आर, ये हो गया 2 आर, 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू एच की वैल्यू 3.5, इसमें इसकी वैल्यू 10 जमा 2 इंटू 3.5, ठीक, 7 से कट गया, हो गया 0.5, ये हो गया 110, 110 और पॉइंट लगाया तो 11, 11 को 2 से किया तो 22, 22 ही वापस आ गया जमा 10 और ये हो गया 7, ये हो गया 17, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये सिंपल आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसी को हमें सॉल्व करके निकालना था, ठीक है, धन्यवाद।